बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आपके खादिम इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ हजरत, और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों हजरत खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत और ईमान की सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और आपके इल्म मारिफत से अल्लाह में खूब इस्तेफादे की तौफीक अता फरमाए। हजरत मेरा सवाल ये है कि क्या तहज्जुद की नमाज की पाबंदी के बगैर विलायतों मारिफत का मकाम हासिल हो सकता है या नहीं, हजरत जरा इसकी वजाहत फरमा दें और दुआएं खास में याद रखें। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह इम्तियाज साहब, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। और बाकी सवाल बड़ा अच्छा किया कि तहज्जुद की पाबंदी के बगैर विलायत व मारफत पा सकता है या नहीं। बिल्कुल पा सकता है। तहज्जुद से यह है कि विलायत व मारफत जल्दी मिलती है, जल्दी मरातिब तय होते हैं, सफ़र जल्दी तय हो जाता है। लेकिन अगर तहज्जुद की पाबंदी नहीं है, और जो उलमा इकराम ने और अकाबिर ने तरीक़ा बता रखा है कि वितर की नमाज से पहले 4 रकात नफिल तहज्जुद की नीयत से पढ़ लें, जब तक कि आदत ना बने तो ये तहज्जुद की नीयत से पढ़ लें, तो बस इंशाल्लाह जो है वो आपको तहज्जुद का सवाब मिलता रहेगा। तो तहज्जुद के बगैर बिल्कुल विलायत व मारफत मिलती है, और गैर फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी और दूसरे हुकूक़ व इबाद का लिहाज, बस इसको लेके चलते रहें इंशाल्लाह। और बाकी दिन के अंदर जो है ज़्यादा ज़्यादा आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा जो है तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप उसी अपनी कसब के एतबार से तरक्की करते रहेंगे। तो विलायत मारफत जो है तहज्जुद पर मिलना मौकूफ़ नहीं है। हाँ, उससे यह है कि जल्दी जो मरातिब तय होते हैं, और रात का वक्त तो फिर आपको होता है महबूबों के साथ मिल के जो है राज और नियाज करने का वक्त होता है। तो अगर जो है रात का वक्त हो और ये आशिक खुदा खुदा के साथ राज और नियाज कर रहा है, तो बंदा खुदा के दरमियान कोई तीसरा नहीं है, तो वो लम्हात अल्लाह ने रखे होते हैं, इस वजह से इसका एहतमाम किया जाता है। लेकिन वो वक्त मगरिब से ले कर सुबह सादिक तक में शुरू हो जाता है, या वो यानी शबान की जो 15 शबान में। लेकिन जो है वो तहज्जुद के वक्त आम दिनों के अंदर वो तहज्जुद के वक्त में वो लम्हा होता है कि जब अल्लाह तबारक व ताला जो है इजलाल फरमाते हैं आसमानी दुनिया पर। तो लिहाजा इसलिए उस वक्त को बहुत कीमती समझा जाता है। अल्लाह खुद पुकारते हैं, उस पुकार के वक्त में इंसान सोया रहे और लगता मुतवज्जे ना हो, तो ये विलायत व मारफत का ये कोई है कि उसको जेब नहीं देता। लेकिन विलायत व मारफत के बगैर आप बिल्कुल मराते भी आली एक तरफ बढ़ सकते हैं। और फिर यह है कि इंसान जब एक ख़ास मंजिल पर पहुँचता है, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह तबारक व ताला रात के वक्त उठने की तौफीक अता फरमा के अपनी राज व नियाज की दौलत भी दे देते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी।